हेलो, मेरे चैनल पे थोड़ा सारे का स्वागत है। वीडियो ना विद्यार्थियों लिए है जेडे बी एस सी कर रहे ने जा बी ए बी एड कर रहे ने इंटैग्रेटेड, भाई केड़े विषय पढ़न ते केड़े अध्यापक बनोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनू पुछदे रहिंदे ने, सो इस करके पंजाब सरकार दी ऐड है एक, वो तुहानू दिखा रहा वा भी केड़े सबजैक्ट पढ़ने नाल कोई केड़ा विद्यार्थी जिहड़ा वै अध्यापक बनता वै केड़े विषय पढ़ के। सो लैट अस सी, आओ देखिए यारा। सब तो पहले टी जी टी मीनज ट्रेनड ग्रैजुएट टीचर, भाव जेडे मास्टर केडर है उहदी गल हो रही है। मास्टर केडर दे विच केड़ा विषय पढ़ने नाल केड़ा अध्यापक बनता है। जेकर साइंस नॉन मेडिकल टीचर बनना है तो वो फिजिक्स कैमिस्ट्री नाल मैथ पढ़ना होएगा ग्रैजुएशन बी एस सी। तो बी एड के साइंस या मैथ विषय रखना जरूरी होएगा। जेकर इंटैग्रेटेड बी एड कर रहे हो तो फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा इंटैग्रेटेड। इस तरह नैक्सट हैगा टी जी टी साइंस मैडिकल, पहला नॉन मैडिकल से हूँ साइंस का मैडिकल है। ये यह तीन विषय पढ़ने पैणगे, जियोलॉजी बोटनी ते कैमिस्ट्री। तो साइंस तुहाडा टीचिंग सब्जेक्ट होएगा बी एड विच, जेकर इंटैग्रेटेड कर रहे हो तो जियोलॉजी बोटनी एंड कैमिस्ट्री ही रहेगा। अगली गल करिए टी जी टी मैथ की, यानी मैथ मास्टर की कैटेगरी की गल है। मैथ मास्टर की पोस्ट मैथमेटिक्स पढ़ना पेगा ग्रेजुएशन लैवल से, मैथमेटिक्स रखना पेगा बी एड विच एक टीचिंग सब्जेक्ट तौर पर। तो जेडे इंटैग्रेटेड बी एस सी बी एड कर रहे हैं उन्होंने मैथमेटिक्स। नैक्सट आ गया जिदे बारे सब तो ज़्यादा क्वेरीज है, वो है बी ए वाले विद्यार्थी। बेटा जेकर तुम बी ए कर रहे हो तो इन्हों विषयों कोई दो विषय तू बी ए पढ़ने पैणगे। ये भी गल नोट कर लो, जेकर दो नहीं हैगी एक हैगा तो दूजा विषय तुसी बी ए तो बाद एडिशनल कर सकते हो। इन्ना भी डरन की लोड़ नहीं, कोई इशू नहीं है। हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक एडम ये वो विषय ने जिन्हों विचों एनी टू कोई भी दो विषय होणगे ते तुसी सोशल स्टडीज़ अध्यापक मास्टर बन सकते हो। उहदे लई तुहानू बी ए दे विच सोशल साइंस विषय रखना, बी एड दे विच सोशल साइंस एज टीचिंग सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। कई थावां ते सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स भी हुंदा वा, ठीक है। सो सोशल साइंस रखना पड़ेगा और इंटैग्रेटेड बी ए बी एड है ते सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिहदे विच सारे विषय आ जांदे है, ठीक है। तो ये बड़ा ही जरूरी सीगा तुहानू इनफॉर्मेशन देना। नैक्सट हैगा जी, कुछ बच्चे कहिंदे जी असी इंग्लिश मास्टर बनना, उहदे लई तुहानू जरूरी है वी तुहानू बी ए दे विच इंग्लिश इलैक्टिव रखनी पवेगी ते बी एड विच इंग्लिश टीचिंग सबजैक्ट लैना पवेगा ते इंटैग्रेटर वास्ते भी इंग्लिश पढ़नी पवेगी। इस तरह टी जी टी हिंदी मास्टर बनने लई इलैक्टिव हिंदी रखनी पवेगी बी ए च। टीचिंग विशा लेना पेगा हिंदी बी एड विच ते इंटैग्रेटर वास्ते हिंदी पढ़नी जरूरी है, ठीक है। बहुते विद्यार्थी इंटैग्रेटर वाले नहीं, इस करके ये बहुता इंटैग्रेटर नाल तुहानू कन्फ्यूज़ होने की लोड़ नहीं। ये सिर्फ उन्हां बच्चों वास्ते है जिहड़े जिन्होंने इंटैग्रेटेड रखी है। इस तरह बेटा पंजाबी मास्टर लगन वास्ते इलैक्टिव पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए है बी ए विच। बी एड विच इलैक्ट पंजाबी जिहड़ा वा ऑप्शन सब्जेक्ट रखना वा। इंटैग्रेटेड जिहड़े बच्चे ने उन्होंने पंजाबी पढ़नी है, ठीक है। सो ये सी जरूरी जानकारी उन्होंने विद्यार्थियों लिए जीए जिन्होंने बी ए एडमिशन ले ली है जां लैनी है। विषय जिहड़े रख लए ने फिर भी उन्होंने कोल मैं दस रहा बी ए जेकर तुसी सैकंड ईयर च आ गए हो या चेंज नहीं कर सकते तो बी ए करन तों बाद भी तुसी एडिशनल बी ए इको साल च प्राइवेट तौर पर एग्जाम दे के कर सकते। इको ही वार पेपर होंगे तो सारा सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, क्लीयर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पोलिटिकल साइंस से जनरल नॉलेज नाल देख
रिलेटेड वीडियोज़ देखने लिए मेरे चैनल में सबसक्राइब करो तो जुड़े रहो। थैंक यू।